तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रीडम सेक्टर की एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। इससे पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर हमारी जो वॉइस है वो ब्रेक हो रही है या सही तरीके से नहीं आ रही है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। उस वीडियो को मैं पूरा देख नहीं पाया, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई है। पर कोई बात नहीं, आज सेम वही स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सही तरीके से नहीं आ रही है, आप वीडियो को दोबारा अपलोड करिए और दोबारा से बताइए कि क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है। तो चिंता मत करिए, कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको भी पता है कि मैं कोई प्रॉपर यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ, अपने ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। लेकिन थोड़ी बहुत जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अपने चैनल की अगर बात करूँ तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं जो वाकई काम की हैं। अगर आप सारी स्ट्रेटजीज को देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपको ज़रूर मिल जाएगी जो आपके हिसाब से काम करेगी और आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बनाकर देगी। तो चलिए, कोई बात नहीं, स्ट्रेटजीज के बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं। आज उसी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे जिसमें वॉइस हमारी ब्रेक हो रही थी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दो इंडिकेटर यहाँ पर आपको लगाने होते हैं। एक इंडिकेटर का नाम है वी वैप और दूसरे इंडिकेटर का नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी कुछ सेटिंग करनी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो चीजें यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी ये चीजें आपके काम आएंगी, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आप जरा सी भी गलती करते हैं तो फिर आपका लॉस होना तय है और इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है। आप इसको निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, किसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप हमेशा से ही जानते हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन रिस्की जरूर है लेकिन रिवॉर्डिंग भी है, यानी कि जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी मिलता है। तो अगर आप सही तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं, ऑप्शन बाइंग करना सीख जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट बनाने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा टाइम लगता ही है, एक दिन के अंदर ये चीजें आप नहीं सीख सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी वैप की एक लाइन है, एक हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है। इसकी कुछ सेटिंग है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ हमें करना क्या होता है, ठीक है? देखिए, मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगा तब हमें यहाँ पर ट्रेड लेना होता है, या ऊपर से जब नीचे आएगा तब हमें ट्रेड लेना होता है। अगर इन दोनों लाइनों के बीच में मार्केट रहता है, जो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों लाइनों के बीच में हमारा जो कैंडल्स है वो इन दोनों लाइनों के बीच में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारा साइडवेज हो गया है, ठीक है? तो ये भी अच्छा इंडिकेशन है ऑप्शन बायर के लिए। एक अच्छी स्ट्रेटजी है, कि सही तरीके से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर अभी साइडवेज होने वाला है। तो जब भी मार्केट आपको इन दोनों लाइनों के बीच में दिखेगा तब यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है? ज्यादातर टाइम में मार्केट यहाँ पर आपको साइडवेज ही दिखेगा। अगर इन दोनों लाइनों के बीच में है मार्केट तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। चाहे सारा दिन गुजर जाए, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब ट्रेड आपको लेना कब है ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तब हमें ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर आप देखें, पहली ही कैंडल हमारी कहाँ पर बनती है, लाइन के बीच में बनती है, तो हमें क्या करना, ट्रेड नहीं लेना। दूसरी भी कैंडल देखें तो लाइन के बीच में ही बनती है, लेकिन इसकी क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो ऊपर होती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर नियरेस्ट जो सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा उसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका एक रेजिस्टेंस बन के आ गया, ये नीली वाली लाइन मैंने यहाँ पर लगा दी है। और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉल के अंदर एंट्री बनाई, ठीक है? जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पर कॉल के अंदर एंट्री बनाई और इजिली आप यहाँ पर देखें इस कैंडल का आपको जो लो रहेगा वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का टारगेट तो आप इजिली अचीव कर सकते हैं। कई बार आपको 1:2 का टारगेट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखिए 100 पॉइंट का हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है, ठीक है? तो इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा 100 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर अचीव हो गया है। तो एक टारगेट हमारा यहाँ पर हिट हो गया। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से नीचे आना शुरू कर देता है, और लाइनों के बीच में जब तक रहेगा तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। एक कैंडल लाइन को ब्रेक करनी चाहिए, लाइन के नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग कर दी इस कैंडल ने, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको इसका लो मार्क कर लेना है, यानी कि ये सपोर्ट बन गया, ठीक है?
अब इस सपोर्ट को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा या इसके नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग होगी या ब्रेक करेगा, क्लोजिंग हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी इस वाली कैंडल ने क्या किया, एक अच्छी सी क्लोजिंग इस सपोर्ट के नीचे दे दी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर हम जो उस कैंडल का जो हाई रहेगा वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। 68 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और जैसे कि मैंने बोला 1:1 का टारगेट तो आप इजीली ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 1:2 का टारगेट इजीली आपका यहाँ पर भी अचीव हो गया है और यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा और नीचे आता है, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनाता है और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। और दोनों लाइनों के बीच में एक वी वेब की लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन है, और इन दोनों ही लाइनों के बीच में हमारा मार्केट ट्रेड करने लग जाता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पर लाइन को ब्रेक करता है, एक अच्छी सी रेड कैंडल की क्लोजिंग लाइन के नीचे होती है, यानी कि दोनों की दोनों लाइनें जो है वो ऊपर है और कैंडल्स नीचे बनते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिर जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सपोर्ट बनाएंगे और लो ब्रेक होते ही हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। जो कैंडल का हाई रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब वो कई बार 50 पॉइंट का होगा, कई बार 40 पॉइंट का होगा, कई बार 100 पॉइंट का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 81 पॉइंट का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस निकल के आया है। और मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला शुरू शुरू में आपको 1:1 का ही रेशियो रखना है। ठीक है, शुरू शुरू में आपको 1:1 का ही रेशियो रखना है और फिर धीरे 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 जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा वैसे वैसे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं आज की ही बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारा लाइन के ऊपर ओपन होता है, ये वी वेब की लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर हमारा मार्केट ओपन होता है और यहीं पर मार्केट देखिए साइडवेज हो जाता है। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ और मैं आज की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 तारीख है और आज की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया। मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, एक रजिस्टेंस क्रिएट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये रजिस्टेंस जो निकल के आया, इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे कॉल के अंदर। ठीक है, कॉल के अंदर एंट्री बनाएंगे और ये देखिए ये हमने कॉल के अंदर एंट्री यहाँ पर बना ली। अब इसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, हाई इसका ब्रेक होना चाहिए, एक कैंडल की क्लोजिंग हुई है उसका हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और जो लो रहेगा कैंडल का, जो लो रहेगा या उसकी पिछली जो कैंडल रहेगी वो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे 75 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है और 75 पॉइंट का ही हम यहाँ पर अपना टारगेट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये देखते हैं टारगेट आज के दिन अचीव होता है कि नहीं होता है, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारी बाइंग है वो यहाँ पर आप देखिए 45,100 के ऊपर है। ठीक है, और टारगेट हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,180 के आसपास रहने वाला है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको 4 एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिए हैं। ठीक है, आप इसको निफ्टी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 7 जुलाई की बात है, मार्केट यहाँ पर हमारा ओपन होता है, उसके बाद दोनों लाइनों के बीच में ट्रेड करने लग जाता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं कर। ऑप्शन बायर के लिए एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी होती है कि साइडवेज मार्केट में उसका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों इंडिकेटर है आपको ये भी बताएंगे कि मार्केट अभी साइडवेज होने वाला है और अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या किया, एक अच्छी सी रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे हुई, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसका लो ब्रेक नहीं किया। तो इसका लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका हमने लो मार्क कर लिया, एक सपोर्ट यहाँ पर बन के आ गया। हालांकि डे लो का सपोर्ट लगाते तो और भी ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी लगाते तो और यहाँ से अगर आप मान लीजिए एंट्री बना लेते। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक अच्छी सी कैंडल की क्लोजिंग ये हुई है और इसका क्या हुआ, लो ब्रेक हो गया। तो इसकी जो पिछली कैंडल रहेगी वही जो उसका हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस है और 1:1 का टारगेट आप इसीलिए यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा टारगेट अचीव हो गया है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखिए ऐसे करके मार्केट आपको काफी बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। तो एक बार इस वाली स्ट्रेटजी को यूज करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी आपको एक दिन के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमने कौन से इंडिकेटर लगाए हैं, कि क्या सेटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए मैं चलिए आपके सामने ही दोबारा से लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं मैं इनको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ।
चार्ट अभी आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको चले जाना है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, यहाँ पर आपको वैसे तो ये इंडिकेटर सभी जगह मिल जाएंगे, आपको कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है वी वैप, जैसे ही आप वी वैप लिखेंगे तो आपके सामने ये इंडिकेटर आएगा। इसकी सेटिंग में आपको जाना है और इसकी जो लाइन है इसको हम यहाँ पर ठीक कर देंगे, और यहाँ पर जो बैंड है लोअर बैंड अपर बैंड इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हमारा वी वैप लगकर आ गया है। आप इसका लाइन का जो कलर है वो अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पर ब्लू कलर रख लिया है। उसके बाद जाना है फिर से इंडिकेटर के अंदर, एक इंडिकेटर आपको और सर्च करना है, उस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जिसको आप ईएमए भी बोलते हैं। इसकी सेटिंग के अंदर जाना है, सबसे पहले इसकी लाइन को हम ब्लैक करेंगे, इसकी थिकनेस को बढ़ा लेंगे, और उसके बाद इनपुट के अंदर जाके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 9 दिखाई देगा, आपको यहाँ पर 26 कर देना है, और मेथड जो यहाँ पर एसएमए दिखाई दे रहा है इसको ईएमए कर देना, ठीक है। बस ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और बस ये इंडिकेटर हमारे यहाँ पर लगकर तैयार है, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है बस वैसे ही आपको यहाँ पर होता है, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनना बिल्कुल तय है, आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि पिछला जो वीडियो बनाया मैं आपको ठीक तरीके से आवाज नहीं आ पाई, और मेरी ही गलती थी, मैं उसको ठीक तरीके से देख नहीं पाया। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्योंकि लगातार हम एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं, आपको पता है इंटरनेट का जमाना है, नए नए अपडेट आते रहते हैं लैपटॉप के अंदर भी, और जो नए नए एप्लीकेशंस होते हैं, नई नई वेबसाइट होती हैं उनके अंदर अपडेट आते रहते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने इसको देखा नहीं, इसकी वजह से ये गलती हो गई, पर कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सेम स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, इसको आप जाइए यूज करके देखिए और प्रॉफिट बनाइए। और ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी है कॉमेंट में लिख के जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।